डिफरेंट मतलब जो है कि इलाकों से, डिफरेंट मज़हब से, कम्युनिटीज से लड़कियां आती हैं, उनका क्या माहौल होता है, वो अपना माहौल को लेकर आती हैं, तो उनका जो है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। लाइक अगर मैं अपसेट हूँ तो मैं शायद जो मेरे साथ लड़की बैठी है वो कोई ऐसी चीज़ सुना दे कि मैं जो कि मेरी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो इसमें अमन ही है, अमन का पैगाम है कि एक स्पोर्ट्स का मेला लगता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट लोग आपको मिलते हैं, तो इसमें एज सच कोई ऐसी फाइट नहीं देखी है कि जिससे कोई ऐसा फसाद खड़ा हो जाए, फसाद ख़त्म होते हैं। तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं लड़कियों को एक अच्छा माहौल दे सकूं, लाइक विमेन कोचेज हों और मेल की कोई भी जो है कि इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि एज सच हम मेल के इतना ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट है कि उनकी लड़कियों को हम जिस माहौल में लेकर जा रहे हैं एटलीस्ट उनको वो सेफ्टी दे सकें। और ग्राउंड ना होने के बाद भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त सिंध में दूसरे नंबर पर हमारी टीम है, सबसे बेस्ट टीम है हमारी जैकबाबाद की। हम लोग जिस मिट्टी के ग्राउंड पर खेले हैं, हमारी लड़कियां तैयार हुई हैं, जिस स्टिक की लाइफ होती है 7 साल 8 साल, हमारी वो हॉकी स्टिक 1 साल के अंदर डैमेज हो जाती है। मैंने फिर भी अपनी सैलरी से, अपनी जो है कि पॉकेट मनी से 4 स्टिक्स मैंने ख़रीदी और कुछ बॉल्स। हमने फर्स्ट हमारा मैच था वो लड़काना के साथ हमने खेला, जिसमें हमने 9-0 से मैच जीता, हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद ही हमारी लड़कियों में हौसला आया, इस अचीवमेंट के साथ साथ हमारे पास और भी लड़कियां आ गई एकेडमी ज्वाइन कर ली। ठीक है, मैं शुरू से जुनूनी हूँ, मैं जुनूनी खिलाड़ी हूँ। जब मैं ग्राउंड में जाती थी तो मेरे जो है ना कोचेस कहते थे कि इसने बाहर नहीं निकलना, वो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती थी, ठा इरम को लग गई। लेकिन यह था कि मैं अभी भी जब ज़रूरत हुई तो अकेडमी के बाद ही मैंने अपनी गर्ल्स को ज्वाइन किया बीच में, तो डी के अंदर ही जो है मैं गिर गई और मैं फ़ौरन से उठ गई। तो लड़कियां मेरी हैरान थी कि मैम को लगी तो नहीं ये है वो है, उन्होंने मैच रोक लिया। मैंने कहा रोकना नहीं है, आपने खेलते रहना है। लेकिन ये था कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, इवन जो मेडिसन्स हैं, स्प्रे है, पीने का पानी भी हमारे पास नहीं था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने खुद से एफ़र्ट्स की और हमने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जैकबाबाद जैसे बैकवर्ड इलाके की एक लड़की जो कि पाकिस्तान आर्मी की विमेन हॉकी टीम से खेलती है, जो कि हमारी सिर्फ जैकबाबाद नहीं पूरे लाड़काना डिवीज़न की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पूरे लाड़काना डिवीज़न की हिस्ट्री में विमेंस टीम में किसी भी स्पोर्ट्स में हमारी कोई लड़की अब तक डिपार्टमेंट किसी ने ज्वाइन नहीं किया, हमारी एकेडमी के बाद ये हमारी पहली अचीवमेंट थी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी 3 गर्ल्स लाहौर में बीकॉम की डिग्री ले रही हैं और वो लाहौर की टीम में गर्ल्स हॉकी टीम में खेलती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। फ्यूचर हमारा हॉकी का यही है कि लड़कियों को डिपार्ट्स में जाना है, अपने इलाके के लिए खेलना है, अपनी कंट्री के लिए खेलना है, और अगर जॉब करनी है डिपार्टमेंट में तो अपनी फैमिली के लिए। इन सब लड़कियों की उम्मीद हूँ मैं, अभी मैं इनके लिए कुछ हूँ, तो मेरे अपने लिए ना सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जैकबाबाद की लड़कियाँ आगे जाएँ।